18वीं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां लगभग हर विभाग ने पूरी कर ली हैं। इस बार देश भर में 7 फेजों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे और परिणामों की घोषणा 4 जून 2024 को की जाएगी। ये भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आम चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों समेत उम्मीदवार जीत के लिए आखिरी दांव पेच खेलने में जुटे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण में प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। भरे गए नामांकन पत्रों की जब जांच की गई तो उसमें 94 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए और 81 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। स्क्रूटनी के बाद अमरोहा में 12, मेरठ में 9, बागपत में 7, गाजियाबाद में 14, नोएडा में 15, बुलंदशहर में 6, अलीगढ़ में 16 और मथुरा में 15 प्रत्याशी बचे हैं। अब 94 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बता दें 8 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। इसके बाद प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बता दें उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की सीटें शामिल हैं।